फ्रेंड्स, ज्योति की फुलवाड़ी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये मेरे लास्ट ईयर के विंटर गार्डन की कुछ क्लिप्स है ना। ब्यूटीफुल सा मेरा ये विंटर गार्डन, तो इस साल का भी इंतजार है। तो दोस्तों, गुलदावदी अभी इस वक्त पूरे बड्स से भरे हुए हैं, पिंचिंग कर किया बहुत सारा और फर्टिलाइज़र वगैरह कंपोस्ट ऐड की, और अब इसकी कलियों को बढ़ने का समय है। लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा इसमें पेस्ट का अटैक होता है, जैसे कि एफिड्स का अटैक होता है, ब्लैक माइट्स का अटैक होता है। तो मेरे भी कुछ गुलदावदी के पौधे में अटैक हो गया है माइट्स का। तो देखिए किस प्रकार का ये पौधा के जो कलियों पर चिपकी हुई है, और ये सारा न्यूट्रिशन पौधे से चूस लेता है, सक कर लेता है और कलियों को बढ़ने का मौका नहीं देता है। और मेरे जो प्लांट के लीव्स भी देखिए येलो होने लगे, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होने लगी, क्योंकि जो भी मैं इसको फूड प्रोवाइड कराती हूँ प्लांट को, वो सारा ये इंसेक्ट चूस लेता है। तो इस टाइम पर बहुत ही केयरफुल रहने की आवश्यकता है, वरना हमारा जो ये 3 से 4 महीने का मेहनत है, कटिंग से लेकर पिंचिंग, रिपॉटिंग, सब बेकार हो जाएगा। तो आज मैं बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हालांकि होममेड भी कई सॉल्यूशन होते हैं, जैसे मिर्ची, अदरक और लहसुन का जो पेस्ट होता है उसको भी हम लोग दे सकते हैं, और नीम ऑयल का भी सॉल्यूशन दे सकते हैं। लेकिन इस टाइम पर मुझे ये ऑर्गेनिक मेथड नहीं अपनाना था, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द अपने इन पौधों के बड्स के ऊपर से ये कीड़ों को हटाना था। तो एक तो सिंपल तरीका ऐसा होता है कि 2-4 आपको दिख रहे हैं, तो सिंपली आप इस तरह से कोई कपड़े या कोई कॉटन नहीं कुछ है, तो इस तरह पत्तों से भी आप इस तरह से एफिड को, ब्लैक माइट्स को, एफिड को या मेली बग हो, इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। तो एक दो रहता है तो मैं ऐसे ही रिमूव कर देती हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे 4-5 पौधे में बहुत ही ज़्यादा अटैक हो गया, तो मैं हरदम यही यूज़ करती हूँ, देख लीजिए आप लोग। तो ये वाला है मीडिया का सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड, इसे इमिडाक्लोप्रेट के नाम से जाना जाता है, और मीडिया का है ये, इमिडाक्लोप्रेट के नाम से जाना जाता है, और ये सिस्टमिक है इंसेक्टिसाइड, बहुत ही कारगर है, इफ़ेक्टिव है। तो 2 ml को आप 2 लीटर पानी में 2 ml इतना लेकर मैं मिक्स करूँगी पानी में, और इसकी स्प्रे करूँगी साथ के साथ। जो इससे तो कीड़ा जो हो भी, माइट्स, एफिड, मिलीबग जो भी लग गया है, तो वो आराम से हट जाएगा। साथ में मैं जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो गई है मेरे पौधे में, उसको भी साथ के साथ फोलियर स्प्रे से दूर करूँगी। तो ये 8 से 10 बूंद मैं इसमें डाली हूँ, सी वीड का लिक्विड एक्सट्रैक्ट है ये। तो ये बहुत ही हेल्दी रहता है, ये पौधे में बहुत ही जल्दी ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगी। तो मेरा जो पौधा रोगी हो गया है, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो गई है, और इन कलियों के ऊपर जो एफिड्स लग गए हैं, इसका न्यूट्रिशन जो चूस रहा है, तो मैं इसके ऊपर स्प्रे करूँगी और अच्छे से पूरे प्रेशर से इसको दूंगी, और सावधानी पूर्वक दूंगी कि मेरी कलियाँ टूटे नहीं। आप सभी भी ऐसे ही करिएगा और अच्छे से सेक कर लीजिएगा। उसके बाद दोनों इंसेक्टिसाइड और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, लिक्विड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की फोलियर स्प्रे कर रही हूँ। तो आप फोलियर स्प्रे करते समय ध्यान रखें कि कोई भी कोना छूटे नहीं, ऊपर नीचे पत्तों के नीचे से खास करके ध्यान देकर करिएगा स्प्रे, और जो बड्स के नीचे जो डंठल है उसके ऊपर भी स्प्रे करिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट टिप्स भी मैं दूंगी कि सिर्फ पौधे के ऊपर ही हमें स्प्रे नहीं करना है, आसपास जो ज़मीन है वहाँ पर भी स्प्रे करना है, क्योंकि कई बार हम लोग स्प्रे करते हैं तो पौधे से छिटक कर ये जो कीड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो ज़मीन में दूर गिर जाते हैं, तो वहाँ से वो दूसरे पौधे में जा सकता है। तो आपको आसपास के एरिया में भी स्प्रे करना है, ज़मीन में भी स्प्रे करना है, पॉट की मिट्टी में भी स्प्रे करना है, प्लांट्स में तो स्प्रे करना ही करना है, ताकि ये कलियाँ अच्छे से टाइम से खिल पाए। और कभी कभी एफिड्स लगे होने के कारण ये कलियाँ ठीक से खिल नहीं पाती हैं, और हम लोग इतने मेहनत करते हैं, सब बेकार हो जाता है। देखिए किस कदर ये पौधे का सारा न्यूट्रिशन चूस रहा है। तो अच्छे से इसको पूरा नहला देना है पौधे को, और जब भी आप स्प्रे करें तो शाम के वक्त ही करें, सुबह कभी भी ना करें स्प्रे, क्योंकि सुबह हम लोग स्प्रे करेंगे या दोपहर में स्प्रे करेंगे तो ये धूप से जल भी सकता है पौधा,
और अगले दिन स्प्रे करने के बाद अगले दिन आपको सुबह सुबह पौधे को नहा देना है बढ़िया से सादा पानी से, क्योंकि फिर कलियों को जलने का भी खतरा रहता है इस टाइम पर, और जो हम लोग इतना मेहनत किए हैं ब्लूमिंग लेने के लिए वो ज़ाया ना हो जाए, बेकार ना हो जाए, तो इसीलिए ये हमें सावधानी बरतनी है। शाम को इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है और सुबह फिर पानी से अच्छे से पौधे को नहला देना है। और कुछ दिन पहले मैंने फंगीसाइड का भी स्प्रे किया था ताकि पत्तों में फंगस ना लगे। तो देखिए कितने अच्छे से मेरे क्रिसैंथेमम में बर्ड्स बनी है, बहुत ही भर भर कर कलियाँ बनी हैं। तो बस अब ब्लूमिंग का इंतजार है, तो साथ के साथ अपने गार्डन के सारे पौधों पर स्प्रे करें ताकि फिर से एफिड आपके गार्डन में बचा ना रहे किसी कोने में, किसी पौधे में, किसी पत्ते में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो इसी तरह आप भी इसका स्प्रे करते जाएं। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए छोटी सी ही सही लेकिन टाइम से ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन आइकन के साथ जरूर प्रेस करें। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ, तो टेक केयर, टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गो विद ग्रीन, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।